नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है कि सेंट्रल एटम के चारों ओर डोनर एटम का 3D अरेंजमेंट, यानी कि बीच में जैसे मान लो सेंट्रल एटम बैठ गया, जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है, इसके चारों ओर जैसे मान लो ऑक्टा हेडल है तो चारों ओर लिगेंड ऊपर भी होगा, लिगेंड नीचे भी होगा, इधर से लिगेंड लोन प्रदान करा, इधर से लिगेंड लोन प्रदान करा, इधर से लिगेंड लोन प्रदान करा, इधर से लिगेंड लोन प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से ये ऑक्टा हेडल प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स बना है, तो इससे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहेंगे। तो यहाँ बीच में सेंट्रल मेटल है, लिगेंड अपने लोन प्रदान कर कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इस प्रकार से इनकी जो शेप क्या होगी उसका निर्धारण है वो सेंट्रल मेटल व लिगेंड के द्वारा निर्धारण होता है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल के साथ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक केंद्रीय धातु के साथ कितने बन रही हैं, सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रही हैं, उसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर को इस प्रकार से आप समझो कि ट्राइगोनल प्लेनर इस प्रकार से होता है कि एक ट्राइगोनल बन जाएगा। जैसे इस प्रकार से मानो, इस प्रकार से ये जो ट्राइगोनल बन रहा है, ये ट्राइगोनल के जो कोणों को मिला दिया जाए तो एक ट्राइंगल का निर्माण होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। इसी प्रकार से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 4 हो तो ये क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, इस प्रकार से होता है टेट्राहेड्रल, इसको समझो। और ये आपको VBT वाला या हाइब्रिडाइजेशन वाले में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल होता है। इसी प्रकार से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 5 हो तो ये होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा, या कभी कभी ये स्क्वायर पिरामिडल भी हो जाता है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में क्या होगा, ये कोई ट्राइगोनल बन गया। मान लो एक ये इस प्रकार से ट्राइगोनल है, इसमें बीच में मेटल बैठा है और इस प्रकार से एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, इस प्रकार से लिगेंड व्यवस्थित है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल इसी प्रकार से पहले बता दिया, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 है तो ये कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करेगी। तो शेप डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि शेप कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर होगी। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लीनियर है, 2 मैंने लिखा नहीं, 2 होगी तो लीनियर होगी, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 है तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगी। बाई चांस 7 हो तो 7 वाले की क्या होते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लो कि अपने पास जैसे NiCO4 हो तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, तो इसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, यानी कि निकल बीच में बैठ जाएगा ये सेंट्रल, और इस प्रकार से ये 4 क्या हो जाएंगे, लिगेंड यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे, ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति बोलते हैं इसको, ट्रेट्रा हेड्रल। और ये बॉन्ड एंगल होता है वो 190 डिग्री और 28 मिनट का होता है। इसी प्रकार से यदि इस प्रकार से हो NiCN की 4-2 हो तो इसमें DSP2 संकरण होता है। ये कैसे आया संकरण, VBT में बताया है, VBT का वीडियो ज़रूर देखें। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि निकल बीच में है, एक यहाँ पर CN इधर है, एक CN इधर है, ये CN अपने लोन पर डोनेट कर रहा है, और ये जो ज्यामिति होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी।
यानी कि वर्ग समतलीय होगी, स्क्वेयर प्लेनर होगी, और प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से यदि आपके एग्जाम्पल में हो FeCO5 होता है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DSP3 होता है। DSP3 संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है, उसकी जो ज्यामिति होती है उसको कहा जाता है ट्राइंगल बाई पिरामिडल, यानी कि एक ट्राइंगल बन गया FE, इस प्रकार से ये ट्राइंगल हो गया जी, यहाँ पर CO आ गया, यहाँ पर CO आ गया, यहाँ पर CO आ गया, बाई पिरामिडल यानी कि एक CO ऊपर की तरफ है और एक क्या है नीचे की तरफ है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया एक ट्राइंगल बाई पिरामिडल, तो इसे अपने ऐसे कहते हैं ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल शेप हो गई। तो ये 120 डिग्री का होता है जो, और ये 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से बॉन्ड एंगल होते हैं। अपने बात करें जैसे K4 Fe6 है, तो यहाँ पर समन्वय संख्या 6 है, 6 होता है उसका या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या फिर d2sp3 होता है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने पर जो आएगा वो ये होगा d2sp3, और ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति होगी, चाहे ये आए चाहे ये आए, दोनों की ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होती है। तो Fe बीच में बैठेगा, ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार से होता है, पहले एक स्क्वायर प्लेनर बनेगा, स्क्वायर प्लेनर में इस प्रकार से ये लिगेंड व्यवस्थित हो जाएंगे, और एक लिगेंड ऊपर की तरफ व्यवस्थित होगा, एक लिगेंड नीचे से लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इस प्रकार से ये लोन पेयर डोनेट कर रही हैं, और ये जो बनेगा वो क्या बन, कौन सा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कहते हैं अष्टफलकीय को। बॉन्ड एंगल सभी के सभी, इसमें 12 बॉन्ड एंगल होते हैं, 12 बॉन्ड एंगल होते हैं, सभी के सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के 12 बॉन्ड एंगल होते हैं। किलेट रिंग क्या होती है, या किलेट लिगेंड क्या होता है, या किलेट कंपाउंड कैसे बनते हैं, इसको समझो कि किलेट कंपाउंड में क्या होता है, जब कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो धातु के साथ जुड़ जाता है, यानी कि पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है तो जो कंपाउंड बनता है उसमें कई साइक्लिक रिंग बन जाती है। इन साइक्लिक रिंग को क्या कहा जाता है, किलेट रिंग कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, किलेट कंपाउंड कहा जाता है। तो किलेट कंपाउंड क्या होता है, जब पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है, यानी कोई कंपाउंड बना लेता है उसमें साइक्लिक वलय बन जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, किलेट वलय कहा जाता है। तो किलेट कंपाउंड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, अन्य की तुलना में क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले दो या दो से अधिक एटम हो, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें जैसे एथाइलिन डाइएमिन, एथाइलिन कहा जाता है CH2 डबल बंद हो तो इसको कहा जाता है एथाइलिन। एथाइलिन के साथ डबल बंद टूट गया बीच वाला, और यहाँ पर क्या आ गया NH2, तो इसे क्या कहेंगे, एथाइलिन के साथ दो एमीन जुड़ गए तो इसे क्या कह देंगे, डाई एमीन कह देंगे, तो एथाइलिन डाई एमीन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब इसके पास कोई मेटल आया तो इस मेटल को इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, इस प्रकार से इस मेटल को क्या कर दिए, इसने लोन पेयर डोनेट कर दिए। डोनेट करने के बाद में ये क्या बन गया, एक साइक्लिक रिंग बन गई, इसी साइक्लिक रिंग को क्या कहा जाता है, किलेट रिंग कहा जाता है। और जो ये कंपाउंड बनता है, इस प्रकार से कंपाउंड बनता है, उसको क्या कहा जाता है, किलेट कंपाउंड कहा जाता है। तो ये कंपाउंड बना है उसको क्या कहा, किलेट कंपाउंड कहा, जो रिंग बनी है उसको किलेट रिंग कहते हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो देखो इसमें क्या था,
ये कोई एथाइलिन, दो NH2 है तो एथाइलिन डाई एमीन है, मेटल के साथ जुड़ गया, ये जो वलय बन गई इसको किलेट रिंग कह दिया, किलेट वलय कह दिया। इसी प्रकार से ये तो डाइडेंटेड था, डाइडेंटेड का मतलब इसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले टू एटम है। इसी प्रकार ट्राइडेंटेड होता तो जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले थ्री एटम होते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करें डाई एथिलिन, ये एथिलिन है तो डाई एथिलिन और ट्राई एमिन, एक NH2 यहाँ है, एक NH यहाँ है, एक NH2 यहाँ है, डाई एथिलिन ट्राई एमिन जब लोन पेयर दान करेगा तो इसमें किलेट वलय कितनी बनेगी, दो बन जाएगी। जैसे देखो देखो ये जैसे मान लो ये एथाइलिन है CH2 CH2, एक एथाइलिन हो गई, एक एथाइलिन मैंने और बना दी CH2 CH2, दो एथाइलिन हो गई। इसके साथ ट्राई एमीन है, यहाँ पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, NH2 समूह जुड़ा है, और यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, NH जुड़ा हुआ है, मैं H इधर लिख देता हूँ। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अब क्या आ गया, कोई मेटल आ गया, मेटल के साथ इसने मेटल को क्या कर दिया, अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। इस प्रकार से डोनेट करने पर ये साइक्लिक रिंग बन गई, ये एक साइक्लिक रिंग ये है, एक साइक्लिक रिंग ये है, तो इसे क्या कहा जाता है, किलेट रिंग कहा जाता है। और इस ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, किलेट कंपाउंड कहा जाता है। और किलेट कंपाउंड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये किलेट रिंग है वो कितनी है, जैसे ये ट्राई डेंटेड लिगेंड था, कितने डेंटेड लिगेंड था, ट्राई डेंटेड लिगेंड था। ट्राई डेंटेड लिगेंड क्यों है, क्योंकि लोन पे डोनेट करने वाले तीन एटम है, इसीलिए इसका नाम ट्राई डेंटेड लिगेंड है। तो इसमें वलय कितनी बनी, 1 और 2, ट्राई डेंटेड था यानी त्रिदंतुक था तो 2 बनी, यानी कि एक कम बनती है। जैसे डाइडेंटेड था, डाइडेंटेड से एक ही बनी, ये डाइडेंटेड था तो एक ही वलय बनी, ट्राइडेंटेड है तो 2 वलय बनी। इसी प्रकार से टेट्राडेंटेड होता तो 3 बनती, तो जितनी भी डेंटिसिटी है उसमें से ए घटा कर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ किलेट रिंग। इस कई बार किलेट रिंग कितनी बनेगी ये पूछ लिया जाता है, तो किलेट रिंग याद करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, कि नंबर ऑफ डेंटिसिटी ऑफ द गिवन लिगेंड एट गिवन टाइम में से क्या करना पड़ेगा, एक कम कर देना है, एक घटा देना है। EDTA मान लिया कि EDTA है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, EDTA किसके साथ जुड़ा हुआ है, कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, कोई EDTA का कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो EDTA एक एक्साडेंटेड लिगेंड होता है। एक्साडेंटेड लिगेंड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाले 6 एटम होते हैं। कैसे होते हैं इसको समझो, EDTA का पूरा नाम क्या होता है, EDTA, ई से बनाओ एथाइलिन, तो एथाइलिन डाई एमीन क्या हो गया, एथाइलिन डाई एमीन, टी से क्या होता है, ट्रेट्रा, एथाइलिन डाई एमीन ट्रेट्रा एसीटेट, और जो ऋणावेशित है इस पर माइनस का 4 पाया जाता है, तो एथाइलिन डाई एमीन ट्रेट्रा एसीटेटो कह दें। तो एथाइलिन का सूत्र क्या होता है, देखो एथाइलिन को इस प्रकार से लिखो आप, CH2 CH2, एथाइलिन बन गया। डाई एमीन का मतलब क्या है, इसके साथ 2 NH2 समूह जुड़े हैं, 2 NH2 इस प्रकार से लिख दिया आपने, H मैंने लिखा नहीं है, डाई एमीन, तो एथाइलिन हो गया, डाई एमीन हो गया, डाई एमीन ट्रेट्रा एसीटेटो का मतलब 4 एसीटेट समूह जुड़े हुए हैं। एसीटेट को मैं इस प्रकार से लिख दूँ, CH2 CW माइनस CH2 CW माइनस CH2
सी डब्लो माइनस और सी एच टू सी डब्लो माइनस, तो ये क्या बन गया, एथाइलिन डाई एमिन ट्रेट्रा एसीटेटो। अब इसके पास लोन पे डोनेट करने वाले कितने एटम हैं, देखो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दो नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, तो लोन पे डोनेट करने वाले कितनी हो गई, सिक्स एटम हो गए। यहाँ पर कोई मेटल आकर जुड़े तो मेटल को लोन पे दान करने वाला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो लोन पे डोनेट करने वाले कितने एटम हैं, सिक्स एटम है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक्साडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये, एक्साडेंटेड लिगेंड है, यानी कि अपने इसको क्या कहते हैं, षष्ठ दंतुक लिगेंड है, एक्साडेंटेड लिगेंड है, षष्ठ दंतुक लिगेंड है। तो अब इसमें षष्ठ दंतुक लिगेंड है, षष्ठ दंतुक यानी कि लोन पर दान करने वाले कितने हैं, सिक्स, तो इसमें से एक कम तो कितनी आ जाएगा, फाइव। फाइव क्या होगी इसमें, किलेट रिंग होगी, किलेट रिंग कितनी बनेगी, फाइव। तो आप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किलेट रिंग क्या होता है, तो जितना भी डेंटेड है उसमें से एक कम कर कर आप किलेट रिंग आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यदि जो लिगेंड है वो साइक्लिक नहीं है, बाद में साइकिल बनती है, बाद में रिंग बनती है, पहले साइक्लिक नहीं है, तो आपको एक घटाना होता है। EDTA पर यदि माइनस थ्री चार्ज हो तो ये क्या क्या होता है, पेंटाडेंटेड लिगेंड होता है। इस कंडीशन में जो किलेट रिंग बनेगी तो फाइव माइनस वन फोर बनेगी। यहाँ पर देखो एक्साडेंटेड में, तो अब इसमें ऐसा होता क्यों है, इसमें ऐसा इसीलिए होता है कि ये तो EDTA माइनस फोर था, यहाँ पर माइनस थ्री होता है, इसका मतलब एक माइनस वाला नहीं है, तो एक ये माइनस वाला नहीं हो मान लो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन होता है, तो ये लोन प्रदान करने वाले अब कितने बचे, फाइव ही बचे, तो जो किलेट वल्या बनेगी वो फाइव माइनस वन बराबर क्या बनेगी, फोर। तो ये एक्साडेंटेड में तो ऐसा होगा और पेंटाडेंटेड में ऐसा होगा। एक्साडेंटेड है तो EDTA पर क्या होगा, चार्ज माइनस फोर होगा, पेंटाडेंटेड पर माइनस थ्री होगा।